जयपुर। कल तो हम खाली पहुंच के हमने डिनर वगैरह करा था, बट आज हम सुबह उठ के पूरी तरह रेडी हो गए हैं एंड अभी बाहर जाएंगे। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि उदयपुर में घूमने के लिए क्या क्या जगह है एंड लेट्स सी बाहर जाके हमें क्या क्या मिलता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। अगर आपको ये पूरा लुक देखना है तो शॉर्ट्स पे तो आपको मिल ही जाएगा। गाइस, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है एंड दिस इज वेरी प्रिटी, लाइक जस्ट लुक एट इट। इतना प्यारा व्यू एंड ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है एंड यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं और इतना प्यारा व्यू है एंड इससे नीचे जाके भी, ये तो इनका टॉप है, नीचे जाके इनका पूल भी है एंड इट इज वेरी प्रिटी। एंड सी, ये इनका रेस्टोरेंट है एंड दिस इज प्रिटी 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 एंड यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा है। आई जस्ट लव दिस प्रॉपर्टी। अगर आप कभी आओ उदयपुर तो पैक्स करके प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ज़रूर आना। रूम भी ठीक है, लाइक बेसिक से है बट ऑल ओवर बहुत प्रिटी है। पूल भी है एंड आई थिंक विंटर्स की वजह से अभी इन्होंने पूल बंद कर रखा है। एंड सी, सिटिंग्स भी बहुत डिसेंट है, लाइक ऑल ओवर मेरे को ये रेस्टोरेंट प्लस होटल बहुत डिसेंट लगा। सो आई एम एट जोधपुर मिष्ठान भंडार और राजस्थान की कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस होती है तो हम लोग यहाँ पे कड़ी कचौड़ी खाने आए हैं एंड किसी ने हमें बताया था कि यहाँ की जोधपुर मिष्ठान भंडार जो है यहाँ की कड़ी कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है तो इसीलिए हम लोग यहीं पे स्पेशली आए हैं। लेट्स सी कैसी होती है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। भैया बना रहे हैं हमारी कचौड़ी एंड आई कांट वेट। पहली बात तो ये बहुत अजीब सी बात है कि उदयपुर में जोधपुर में मिष्ठान भंडार। दूसरी बात, जो हमने कड़ी कचौड़ी खाई, नॉर्मली जो हम कड़ी कचौड़ी खाते हैं ना उसमें जो है उसमें ना कड़ी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इन्होंने बहुत कम डाली है, लाइक वो हमारा टेस्ट नहीं है। वो मुझे बहुत डिफरेंट लगी, लाइक मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब यहाँ पे छोले टिक्की भी मिल रहा है तो मैं वो ट्राई करने जा रही हूँ, लेट्स सी कैसा होता है। लेकिन ये चीज़ तो मुझे बहुत फनी लगी कि उदयपुर में जोधपुर मिष्ठान भंडार, लेट्स सी कि हमारी वो जो टिक्की क्या है, छोले टिक्की कैसी होती है। लाइक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत डिफरेंट लगा और टेम्पटिंग सा लग रहा था इसलिए आई थॉट कि ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी वो कैसा होता है, आई होप वो तो अच्छा हो। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस टेम्पटिंग सी छोले टिक्की। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ऐसा कुछ, मैंने पहले कभी नहीं करा। लेट्स सी कैसा होता है। वो बनाते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने टिक्की थोड़ी सी क्रिस्पी करवा ली। दिस इज नाइस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। खाली है जोधपुर मिष्ठान भंडार से कचौड़ी वगैरह, जितना भी ब्रेकफास्ट होना था हो गया। अब ऐसे ही मार्केट में पैदल पैदल थोड़ा घूम रहे हैं, देखते कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे, बाकी देख लेंगे क्या अगर कुछ मिलता है तो। मार्केट यहाँ की मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं एंड आई एम राजस्थानी और वो सारा यहाँ पे देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। पूरा अपना कल्चर एंड वैसे कपड़े बहुत, मतलब ऐसे प्राउड सी फीलिंग आती है तो आई एम जस्ट लाइकिंग इट। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है, पैदल पैदल मार्केट घूमेंगे। वैसे तो गाड़ी से घूम रहे थे अभी तक बट अब कोशिश करेंगे कि पैदल पैदल थोड़ा घूमें और एक्सप्लोर करें बाकी और क्या क्या है यहाँ।
चोला लेक, एज यू नो उदयपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो हाँ, सबसे पहले मैं घूमने के लिए आई हूँ पिचोला लेक। बहुत बड़ा लेक लग रहा है, मतलब मैंने यहाँ के बाकी लेक्स तो देखे नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है एंड ये भी मेरे लिए काफी बड़ा है। एंड नॉर्मली मैंने ज्यादा लेक्स देखे नहीं है। एंड यहाँ पे हमने बोट राइड ली है, जिसमें एक बोट में 10 लोग बैठ सकते हैं, 364 पर पर्सन। एंड अभी वी आर वेटिंग, हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं। आई थिंक बाकी सारे लोग आएंगे तभी ये बोट टिकलेगी। एंड रेट तो ठीक है, 360 पर पर्सन, और ये पूरा घुमाएगी और काफी प्रिटी है बहुत। और वाटर मतलब इतना क्लीन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, इतना गंदा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे पूरी सिटी है एंड बीच में मेरे को यहाँ पे आई थिंक एक, ये शायद से जो पीछे दिख रहा है, ये आई थिंक कोई होटल है या फिर कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है, वो तो उसके पास जाके ही पता चलेगा। लेट्स सी।